रीजनिंग का पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से पहले एक टॉपिक है हमारा रैंकिंग इस टॉपिक को देखो इतना ही पढ़ेंगे एग्जाम डेट्स आ गए तो इतना ही पढ़ेंगे एक बार प्री के लायक पढ़ लेते हैं इसको है ना एक बार प्री के लायक पढ़ लेते हैं फटाफट आज की ही क्लास में ताकि हम कल की क्लास से सिटिंग अरेंजमेंट का मैं एक लेक्चर देखो पहले ले चुका हूँ लेकिन कल से मैं फ्रेश पढ़ाऊँगा एकदम से नए तरीके से पूरा का पूरा एकदम फ्रेश तरीके से पढ़ूँगा ठीक है और आपका कल की कल कल जो मैथमेटिक्स में होगा वो नंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगा रैंकिंग और नंबर सीरीज खत्म होते हैं फिर हम आगे के टॉपिक्स के ऊपर बढ़ेंगे ठीक है तो एक बार जितना आपके आर के प्री में पूछा जा सकता है उतना मैं ओरव्यू आप लोगों को इसका दे देता हूँ एकदम कम्प्लीटली उसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा ये मेरी गारंटी है उसमें फिर भी आपको लगे कुछ रह गया तो आप मुझे बताइएगा मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट एक बार आप, पढ़ लेना, तो उसके बाद में आप लोगों को किसी भी के अंदर दिक्कत नहीं ठीक ना? लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाने होंगे भी सिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले जो शुरू के पांच मिनट है ना ये जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए तो सारे लोग रैंकिंग का मतलब क्या होता है कोई लाइन में लोग बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं या फिर कोई क्लास के अंदर बीस तीस लोग हैं उनकी लाइन एक तरीके से रैंकिंग की जाती है रैंकिंग किस तरीके से हो सकती है एक तो इस साइड से लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से यही हो सकती है रैंकिंग कभी कुछ लोग हैं उसकी लेफ्ट साइड से इतनी रैंकिंग राइट साइड से अगर लाइन में लगे हुए हैं तो मान लो बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं तो उनकी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से रैंकिंग नापी जा सकती है एक होता है मान लो किसी क्लास के अंदर है तो ऊपर की रैंक होगी एक तो तो ऊपर से नीचे की ओर एक नीचे वाले भी होते हैं हमारे जैसे तो उनकी रैंक कहाँ से आती है नीचे से आती है ठीक है तो ऊपर से भी रैंक और नीचे से भी रैंक तो एक ऊपर नीचे से रैंकिंग हो सकती है ठीक है तो दो टाइप से रैंकिंग हो सकती है अब इन्हीं दो टाइप से मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मान लो कहीं पर कोई लाइन लगी हुई है ठीक है और उस लाइन के अंदर आप लोगों का एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड अब यहां पे आपके इस सर में अंसुल सर खड़े हैं और अंसुल सर की जो रैंकिंग है वो लेफ्ट से तो ट्वेंटी है लाइन के लेफ्ट से तो ट्वेंटी है और अंसुल सर की ही जो रैंकिंग है वो आपके राइट साइड से कितनी है राइट साइड से आपकी मान लेते हैं थर्टी है ठीक है तो यहां पे खड़े हुए हैं अंसुल सर ठीक है तो लेफ्ट साइड से ट्वेंटी और राइट साइड से थर्टी की रैंकिंग है अब आप लोगों से मैंने ये पूछ लिया कि भाई मैं जिस लाइन में इस लाइन में खड़ा हुआ हूं इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं तो कुछ चलाक लोग क्या बोलेंगे सर लेफ्ट से बीस राइट से तीस वेरी गुड तो वो बोलेंगे तीस प्लस बीस और बोल देंगे सर पचास लोग हैं इस लाइन में मैंने बोला बहुत अच्छे भाई ठीक है अगर ऐसा कर दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई एग्जाम में पचास बिल्कुल गलत है क्यों गलत है इसलिए गलत है कि आप लोग ध्यान से समझना ये जो बीस लोग थे इसमें भी मैं था कि नहीं था बताओ यहां पे ऐसे खड़ा था और ये जो तीस लोग हैं इधर से जब गिनते गिनते आए तो मेरे तक आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, गिनेंगे लास्ट में बताओ तो लाइन में मैं तो अकेला ही हूं मुझे इस साइड से भी गिन लिया आपने और उस साइड से भी गिन लिया आपने तो बताओ गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई एक बंदे की एक बंदा ज़्यादा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आप लोगों के पास में तो एक बंदा ज्यादा आ गया यानी कि मेरे को आपने दो बार काउंट कर लिया तो हर बार जब आप लेफ्ट और राइट से जाएंगे तो एक इंसान ज़्यादा काउंट होगा तो वो आपको माइनस कर देना तो सही आंसर ये ना हो के आपका सही आंसर क्या होगा फोर्टी नाइन होगा एक तो ये छोटी सी बात है ठीक है तो इसके अंदर मैं आपको अब आप फॉर्मूला बना के बता रहा हूं अगर आप लोगों को ऐसे ही मान लो ऊपर से रैंकिंग दी जाती कि ऊपर से मेरी रैंकिंग बीस है और नीचे से काउंट करो तो किसी क्लास में मान लो रैंकिंग छाप रही तो मेरी रैंकिंग नीचे से तीस है ऊपर से बीस है तो यहाँ पे भी टोटल कितने होंगे तो कुछ लोग यहाँ पे भी भाई बीस प्लस तीस बोलते हैं सर ऊपर और नीचे वाले में तो नहीं होगा कम अरे ऊपर से नापा तो भी मेरे को गिन लिया नीचे से नापा तो भी मेरे को गिन लिया तो इसमें भी माइनस वन होगा तो ये कितना हो जाएगा ये भी फोर्टीन तो ऊपर से गिनो या नीचे से गिनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट राइट से गिनो कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल आपका वो होंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन ठीक है या फिर आप लोगों का अगर ऊपर नीचे का होगा तो उसमें भी एक ही बात है ऊपर से रैंकिंग नीचे से रैंकिंग अपर रैंकिंग और लोअर रैंकिंग ऊपर से रैंकिंग अपर साइड से रैंकिंग लोअर साइड से रैंकिंग और माइनस वन ये आपके टोटल होंगे ठीक है तो टोटल का फॉर्मूला याद अरे इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया भूलोगे नहीं ना अब एक माइनस करना नहीं भूलना है बस मुद्दे की बात है ये अब कुछ क्वेश्चन करते हैं देखो सबसे पहले पहला प्रश्न कराता हूँ मैं आप लोगों को एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे रैंकिंग क्या है कुछ लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ देखना भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा हिंदी में थोड़ा सा धुंधलापन है हिंदी को छोड़ दो यहीं से देख लेते हैं मोहन इज ट्वेंटी द लेफ्ट मोहन की जो रैंकिंग uh, है वो लेफ्ट साइड से ट्वेंटी एंड ऑफ द रो एंड रो से एंड ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द क्लास ठीक है क्लास नहीं रो ही लिखो यहाँ पे ठीक है ठीक है यहां पे रो लिखा है और यहां पे कक्षाएं लिखी है कक्षा की एक पंक्ति में हां ठीक है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं तो टोटल का मतलब क्या होता है लेफ्ट और राइट प्लस करो और एक क्या कर दो माइनस कर दो तो अड़तीस और एक माइनस किया तो कितना गया? 37 आ गया सैंतीस आ गया ये आपका आंसर हो जाएगा सैंतीस आंसर हो जाएगा लेकिन यहां पे एक चीज का कुछ लोग ख्याल नहीं करते ध्यान रखिएगा यहां पे ध्यान से समझना ये जो ट्वेंटी सिक्स रैंकिंग है ये जो ट्वेंटी सिक्स रैंकिंग है और ये जो ट्वेल्थ रैंकिंग है क्या ये मोहन की है कि नहीं है एक ही बंदे की आपको लेफ्ट साइड से और उसी बंदे की आपको लेफ्ट राइट साइड से अगर रैंकिंग दियो तब ये फॉर्मूला लगता है यानी कि इस फॉर्मूले में मैं एक नोट डाल रहा हूं कि ये जो लेफ्ट राइट है और ये जो अपर डाउन है ये एक ही पर्सन का होना चाहिए ये सेम पर्सन का होना चाहिए मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा ऐसा मत कर दीजिएगा कि राइट तो मोहन का ले लिया लेफ्ट सोहन का ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ना जैसे आगे क्वेश्चन में आएंगे कई बार इसमें तो देखो मोहन का ही लेफ्ट से दे रखा था मोहन का ही राइट से दे रखा था अगर मान लो सोहन का राइट से दे देता दे तो ये फॉर्मूला नहीं लगता फिर आपको एक ही बंदे पे टोटल निकालो तो एक बंदे से निकाल देते हैं हा पेपर की अपडेट है कि पेपर बारह तारीख को हो रहा है ठीक है बारह तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे मतलब होने तो ये समझ गए ना सारे लोग तो एक ही बंदे का होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर आगे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को इन इन ए रो फिफ्टी स्टूडेंट्स मनीशीज ट्वेंटी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको चौबीस दे रखी है और टोटल आपको कितना दे रखा है फिफ्टी दे रखा है आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है मैं आपको बस समझ में आ जाए और आपके नोट्स बन जाए इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे एल की वैल्यू ट्वेंटी फोर टी की वैल्यू कितनी है फिफ्टी है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट इन द राइट साइड ऑफ द मनीष मनीष के राइट right साइड में तो मनीष का आर निकालना है तो देखो टोटल क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो जब भी अगर आपको मान लो राइट right निकालना है इसका तो टोटल में से तो लेफ्ट माइनस होगा साथ में प्लस होगा यानी कि अगर आपका राइट right निकालना है तो लेफ्ट माइनस कर दो और अगर आपका लेफ्ट निकालना है तो राइट right माइनस कर दो और प्लस वन कर दो तो ये कितना आ जाएगा पचास माइनस चौबीस प्लस वन तो भाई कितना हो गया है तेईस माइनस करेंगे तो कितना गया है? 26 आ गया छब्बीस आ गया छब्बीस और एक सत्ताईस किस किस को लग रहा है कि सर आंसर होगा बहुत गलत लग रहा है भाई आप लोगों को देखो ध्यान से समझिएगा यही कॉन्सेप्ट किसी का सीखने की एल और आर क्या थे लेफ्ट और राइट से पोजीशन थी अब पीछे चलता हूं मैं एक बार फिर समझ में आएगा आप लोगों को कहा गया मैं हाँ मैं भाई यहां अंशुल खड़ा हूं राइट साइड से थर्टी पोजीशन के ऊपर तो बताओ मेरे राइट साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं यहां से मैं तो ये हो गया तीसवे नंबर पे तो ट्वेंटी नाइन बैठे हैं नहीं बैठे और मेरे लेफ्ट साइड में कितने बैठे हैं उन्नीस बैठे नहीं बैठे क्योंकि एक तो मैं खुद हो गया तो पोजिशन से हमेशा बंदा एक कम होता है अगर आपको लेफ्ट और राइट पर्सन पूछे लेफ्ट और राइट में कितने लोग बैठे हैं तो मैं नोट्स में आप लोगों के पास पहुंच इसीलिए यहां पे लिख रहा हूं तो आपको लिखना है लेफ्ट और राइट ये क्या है पोजिशन है उसमें से एक माइनस करना है हमेशा ठीक क्यों माइनस किया लॉजिक मैंने समझा दिया तो ये जो सत्ताईस आया था इसमें से क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा छब्बीस दैट इज योर आंसर तो आंसर हो जाएगा छब्बीस ये आपका गलत होगा ठीक है हाँ अगर आपको बोल देता कि ये जो स्टूडेंट है मनीष इसकी राइट साइड से क्या पोजीशन है ये राइट साइड से कितने नंबर पर बैठा हुआ है तो आंसर क्या होता ट्वेंटी सेवन होता हर्ष को समझ नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूं हर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे ये बहुत बार रिपीट होंगे यही तो सिखाने मुझे एक चीज और सिखानी है तीन ही चीजें हैं तीन चीजें सीख गए तो पूरा आ गया देखो ऊपर नीचे से आ गया हेमंग इज सिक्सटीन फ्रॉम द टॉप टॉप से एंड ट्वेल्थ फ्रॉम द बॉटम इन द मेरिट इन द क्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास तो अपर और डाउन दे रहा है तो दोनों को जोड़ दो सोलह और बारह अट्ठाईस और एक माइनस कर दो सत्ताईस सीधा पेन पेपर टच नहीं करना है भाई आपके नोट्स बन जाए इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं सोलह प्लस बारह माइनस एक यानी कि सत्ताईस कर दोगे ना ये तो सिंपल है अब जो मैंने बताया ना ये क्वेश्चन उसके आधार पे ये क्वेश्चन करने का प्रयास करो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना ठीक है जिनका आंसर आ गया ठीक है बाकी लोग इधर देखो मुझे नी पर्सन सीट बिटवीन टू पर्सन दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको सीखना है तो हमेशा ध्यान रखना दो बंदे होंगे एक बंदा होगा ए एक बंदा होगा बी मान लेते हैं किसी लाइन में ये बैठे हुए हैं ठीक है थीके? और उस लाइन में इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं तो उसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूं p1 p2 P1 P2 का क्या मतलब है? ये मतलब मतलब ध्यान से समझ लेना। जिसने इस मतलब को गड़बड़ किया ना वहीं पे गड़बड़ मतलब P1 -P1, तो पर मतलब है। है। क्या है पीवन पिटू पोजिशन है और पोजिशन हमेशा कहां से आ सकती है या तो लेफ्ट से आ सकती है राइट से आ सकती है या अपर से आ सकती है डाउन से आ सकती है बस लेफ्ट राइट अपर डाउन यहीं से पोजिशन आ सकती है अब देखो इस ए की लेफ्ट से कोई पोजिशन होगी उसी लाइन में राइट से कोई पोजिशन होगी इसकी लेफ्ट से कोई पोजिशन होगी राइट से कोई पोजिशन होगी अब आप P1 P2 P1 मतलब A की पोजीशन P2 मतलब B की पोजीशन दोनों को माइनस करना है A और B की जो भी कम होगी लेकिन ध्यान ये रखना है अब आपको पूछेंगे सर लेफ्ट करें या माइनस करें तो जब आप लेफ्ट कर रहे हो तो P1 का भी लेफ्ट P2 का भी लेफ्ट जब आप राइट कर रहे हो तो इसका भी राइट इसका भी राइट ठीक है तो P1 और P2 हमेशा यहां माइनस करना है लेकिन नोट क्या है यहां पे इसके बगल में एक साइड से या फिर यहां मैं फ्रॉम सेम साइड पोजीशन सेम साइड ये आपको समझ में आएगा भी थोड़ी देर जो एग्जाम्पल कराऊंगा तो मतलब मान लो इसकी लेफ्ट से पोजीशन ली तो इसकी भी लेफ्ट से पोजीशन फिर माइनस वन कर दो इसके राइट से पोजीशन तो इसकी भी राइट से पोजीशन इसको माइनस वन कर दो ठीक है तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते आता है आज समझ में अभी मैं देखो पूरा चैप्टर ओर व्यू करूंगा इस, इस क्वेश्चन के बाद में फिर कुछ नहीं बचेगा बस इन ए रो ऑफ बॉयज मोहन इज ट्वेंटी फ्रॉम द लेफ्ट जो मोहन है ना मोहन ठीक है मोहन को बोल रहे ट्वेंटी फ्रॉम द लेफ्ट तो मोहन की लेफ्ट साइड से रैंकिंग दे दी आपको ट्वेंटी आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में मैं बस आपको समझ में लिख रहा हूं एंड ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड और राइट right में राइट right से कितनी है प्रताप इज़ एक बंदा प्रताप ठीक है प्रताप की जो रैंकिंग है 15th फ्रॉम द राइट राइट से कितनी है 15th है एंड इन दैट रो ऑफ लेफ्ट से पता है क्या आपको नहीं पता मुझे ठीक है हाउ मेनी देयर बिटवीन मोहन एंड प्रताप मोहन और प्रताप के बीच में कितने लोग होते हैं तो बताया हुआ है दो लोगों के बीच में कितने फॉर्मूला बना दिया वन तो आप देखना पी वन और पी टू के लिए नोट ध्यान रखना एक ही साइड से पोजिशन होनी चाहिए तो देखो इधर लेफ्ट का तो पता ही नहीं है मेरे को तो दोनों का राइट ही काम में लेना पड़ेगा इसका तो लेफ्ट पता ही नहीं तो तो जो बड़ा से है तो राइट काम में कितने लोग बैठे होंगे दो लोग बैठे होंगे अब देखो एग्जाम में जब करते हैं ना इसको तो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतना बड़ा थोड़ी करेंगे बहुत छोटा हो जाता है देखो मैं दिखाता हूं जो बंदा करना होगा तो पेन भी नहीं छुएगा वो जिस बंदे को करना होगा ना वो तो पेन भी नहीं छुएगा क्योंकि जिसको ये फार्मूला क्लियर होगा ना तो वो क्या करेगा वो एक इन रो ट्वेंटी फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट साइड ठीक है फ्रॉम द राइट एंड इन दैट रो हाउ मेनी बॉयज आर देर इन बिटवीन मोहन तो इसको पता लग गया कि भाई ये राइट से पोजीशन फिफ्टीन है और इधर राइट से पोजीशन ट्वेल्थ मुझे दे रखी है और दोनों के बीच में तो दोनों को माइनस करना है फिर एक और माइनस करना है दोनों को माइनस किया थ्री और उसमें से एक और माइनस किया टू ये जिसको कॉन्सेप्ट समझ आएगा वो सीधा कर सकता है क्योंकि प्लस माइनस से इतना बड़ा करना ही क्या है कितने सेकंड में आंसर कर सकते हो बताओ इसको अरे दस सेकंड में आंसर कर सकते हो ना इसको एक सेकंड में मत कर देना पाँच सात सेकंड में मतलब तो क्वेश्चन पढ़ने में भी समय लगेगा अच्छा कितने लोग बोल रहे हो सर मैं तो लेफ्ट से निकालूंगा क्यों निकालेगा यार जरूरी है क्या लेफ्ट से निकालना नहीं निकालना है लेफ्ट से ठीक है ना लेफ्ट से नहीं निकालना है, क्योंकि लेफ्ट निकालना पड़ेगा उसका अच्छा एक बात हो क्या मैं मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन में एक चीज पूछ लेता हूं ये तो मैंने इन दोनों के बीच में पूछा अब मैं आपको पूछ लेता हूँ कि प्रताप की लेफ्ट साइड से पोजिशन बताओ मतलब ये जो एल की वैल्यू है ना ये पूछ ली मैंने ये पूछ लिया मैंने आप लोगों से बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा गुड देखो आपको पता है प्रताप की लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालने के लिए मेरे को लाइन में टोटल लोग चाहिए और लाइन में टोटल अब मैंने बोला था जब आपको लेफ्ट राइट कुछ भी निकालना हो, तो इसमें से एक माइनस कर दो ठीक है क्योंकि देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन तो टोटल आपका कितना है इकतालीस है और राइट आपका पंद्रह है तो लेफ्ट निकाल दो आप लोग ठीक है तो फोर्टीन माइनस करो तो कितना आ जाएगा इसका कितना आ रहा है भाई न लाए वो सत्रह कैसे आ गया तुम का अच्छा बीस प्लस बारह बत्तीस अच्छा सॉरी इकतीस होगा ना यहाँ पे मैं भी सोच रहा हूँ मेरा ही गलत हो गया ना लाइक में ही हो गया ना कोई बात नहीं सत्रह जाएगा तो लेफ्ट से सत्रह हो गया पोजिशन इस तरीके से निकाल सकते तो ये लेकिन निकालना नहीं है अभी नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे चलो तो ये समझ में आ गया होगा अब मैं आपको ना एक रिपीट मोड पे ना पिक्चर का पूरा वो दिखाता हूँ वो दिखाते ना आज तक की कहानी वैसे अभी तक की कहानी ताकि कंफ्यूजन हो जाओ तुम लोग तो अभी तक की कहानी ये है कि हमने टोटल लिखा लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक ठीक है इसमें लेफ्ट और राइट right सेम होने चाहिए नोट कर लेना भाई ये बस इतने से नोट्स हैं इसके ठीक है तो ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट हो गया अगर लेफ्ट और राइट right में कितने लोग बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं कितने पर्सनस बैठे हैं पर्सनस लिख दूँ पर्सन्स बैठे हैं मिक्स चलेगा भाई हिंदी इंग्लिश दोनों खुश रहो तो या तो आप लोगों का लेफ्ट माइनस वन लेफ्ट में पूछेगा तो राइट में पूछेगा तो राइट माइनस वन पोजिशन में से एक माइनस करते हैं ना ठीक है इसके बाद में भाई इसके बाद में आप लोगों का आ जाता है कि दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं हाउ मेनी पर्सन बिटवीन टू पर्सन हाउ मेनी पर्संस बिटवीन टू परसन तो क्या होगा P1 वन माइनस पी टू माइनस वन नोट है आप लोगों का P1 P2 सेम साइड से पोजीशन बताओ भाई पूरा है इसके अलावा कुछ हो बताओ किसी को किसी में चीज में कंफ्यूजन इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में अब ये तीनों चीजें अगर क्लियर क्लियर रखोगे तो आगे कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी बताइए भाई यार एक्स सर्विस मैन का मैंने बहुत रिसर्च किया है मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर आप एक स्पेशल वीडियो बनाओ हमारे लिए आर आर बी के लिए और इन सब के लिए पर कुछ कंक्रीट मिल ही नहीं रहा है कट ऑफ के मामले में कट ऑफ का डाटा तो ओबीसी जनरल का ही जनरली अवेलेबल हो पाता है बाकी जिनके पास रिजल्ट होता है ना उनको मिले उनको पता होता है जिनके पास मार्कशीट होती हैं हमारे पास एक दो मार्कशीट हैं लेकिन उससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि उनमें उन्हीं की कैटेगरी का कट ऑफ मिलेगा आपको आपके साथ के कोई सीनियर हों जो सेलेक्ट हुए हो आप उनसे पूछिए या फिर जो मेरे जो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं मैं उनको मैसेज डालता हूँ अगर कोई रिप्लाई करता है तो पेन का गया भाई चलो क्वेश्चन मधु इज एटीन फ्रॉम द लेफ्ट एंड संधु इज इलेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो ऑफ फोर्टी चिल्ड्रंस मतलब टोटल मिला के चालीस हैं हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर बिटवीन मधु एंड संधु इन द रो एंड देखो मधु की और संधु की दो की पोजीशन दे रेखी है आप लोगों को मधु का दे रखा है आप लोगों को लेफ्ट की अठारहवीं पोजीशन पे और जो संधु है उसका देर ऐसे आप एग्जाम में जमा जमा के मतलब निकाल लेना बस ये आपके समझने के लिए बस राइट में इलेवेंथ और टोटल आप लोगों को कितना दिए हुए 40 चालीस दिए हुए अब आप एक बात बताइएगा मुझको कि मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे तो P1 वन माइनस पी टू माइनस वन यही लगाना पड़ेगा ना कि मधु और संधु के बीच में कितने लोग बैठे हैं कितने चिल्ड्रन बैठे हुए हैं तो आप मुझे एक बात बताइए ये P1 और P2 क्या एक ही साइड से पोजीशन है कि नहीं है एक ही साइड से पोजीशन है ना ये ये एक ही साइड से पोजीशन है लेकिन यहां पे मुझे इसका लेफ्ट से दिया गया इसका राइट से दिया गया तो या तो मुझे इसका राइट निकालना पड़ेगा या मुझे इसका लेफ्ट निकालना पड़ेगा जो भी आपकी चॉइस है निकाल लो मान लेते हैं मैं इसका राइट निकालना मधु का राइट निकालता हूं तो राइट कैसे निकालूंगा टोटल क्या होता है टोटल जो फोर्टी होता है वो लेफ्ट प्लस राइट यानी लेफ्ट कितना एटीन और राइट आपका राइट माइनस वन तो सत्रह इसमें से माइनस करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी तेईस आ जाएगी तो यहां आर की वैल्यू कितनी आ गई तेईस आ गई अब आप इसमें राइट राइट में लगा सकते हो इसका भी राइट इसका भी राइट तो तेईस माइनस ग्यारह और माइनस वन तो आपका आ गया एलेवन आंसर आ गया ये लो भाई साहब इलेवन आंसर आ गया इसके बाद देखना भाई इसके बाद देखना कुछ लोगों को जिद मच जाएगी क्या जिद मचेगी कि सर मैं तो इसी से निकालूंगा तो भाई इससे निकाल ले मुझे क्या दिक्कत है इससे निकालने का होगा तो टोटल तो फोर्टी हो गया लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन यानी कि ये हो गया राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन तो यानी लेफ्ट से कितना आ जाएगा ये तीस आ जाएगा तो इस जो एल की वैल्यू है कितनी आ जाएगी तीस आ जाएगी तो यहाँ से P1 वन माइनस लगाओगे तो क्या आएगा P1 वन तीस माइनस अट्ठारह तीस माइनस अट्ठारह माइनस वन तो फिर से क्या आएगा आपका इलेवन आएगा दैट इज योर आंसर अरे समझ में आ रहा है ना सभी को आगे पीछे लेफ्ट राइट दाएं बाएं सब देखते रहो है ना समझ में आना चाहिए बस अरे बहुत ईजी है ये क्या है ना ये अगर अपन एकदम साधारण भाषा में नहीं पढ़ते ना तो हमें हार्ड लगता है थोड़ा सा बाकी बहुत ईजी है चलो भाई इस क्वेश्चन को आप निकालो देखो बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से तेरहवें स्थान पर मोहन है दाईं ओर से बारहवें स्थान पर तथा बाईं ओर से अठारहवें स्थान पर प्रवीर है मोहन से दाईं ओर उस पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हुए हैं कोई बात नहीं निकाल देंगे देखो अभी ठीक है मोहन की कुछ चीजें दी हुई है मोहन का अरे कहा है भाई हां मोहन के लिए बोला गया थर्टींथ फ्रॉम द लेफ्ट तो मोहन की जो लेफ्ट से पोजीशन दी गई है वो थर्टीन दी गई है उसके बाद में देखो प्रवीर ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड एंड एटीन फ्रॉम द लेफ्ट प्रवीर का क्या दिया गया है राइट से कितना राइट से बारह और लेफ्ट से अठारह दिया गया है निकालना क्या है मोहन से दाई और उस व्यक्ति उस पंक्ति में कितने बैठे हुए हैं तो मोहन से दाई और उस पंक्ति में कितने बैठे हुए हैं तो ये वाला यहां से आर निकाल के उसमें से एक माइनस करना है कि नहीं करना है बताओ फॉर्मूले के हिसाब से इतना तो सबको समझ समझाएगा मोहन से दाई और मोहन की दाई पोजिशन निकाल लो दो माइनस कर दो इसके दाई और बाई और कितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से एक माइनस करते हैं ठीक है ना तो दाई और कितने लोग बैठे हुए हैं उसके लिए आप लोगों को एक माइनस करना पड़ेगा बताया था ना भाई तीन ही तो कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट आराइट right में कितने परसेंट बैठे हुए थे लेफ्ट माइनस वन राइट माइनस वन तो जिसकी बात कर रहा है उसी का लेफ्ट तो मोहन की बात कर रहा है तो मोहन का राइट माइनस वन अब मोहन का राइट right नहीं पता मुझे मोहन का राइट right निकालना पड़ेगा तो पहले टोटल निकालो टोटल कहाँ से निकलेंगे यहाँ से निकलेंगे टोटल यहाँ से निकालना होगा तो दोनों को प्लस कर दो तो तीस माइनस यानी कितना होगा उनतीस टोटल दोनों को प्लस कर दिया ना लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन दोनों को प्लस करके माइनस वन कर दिया यहां से जब राइट निकालना होगा तो क्या करेंगे तो टोटल क्या होता है ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो बारह इसमें से माइनस सत्रह आ जाएगा तो राइट क्या हो जाएगा सत्रह आ जाएगा अगर राइट साइड से पोजिशन पूछी होती तो मैं सत्रह आंसर लगा देता और देखो एग्जामिनर कितना खतरनाक है कि वो ये बोल रहा है कि सत्रह ऑप्शन में दिया ही नहीं उसने सत्रह ऑप्शन में दे दिया सोलह उसमें जो आंसर था राइट माइनस वन हमारा राइट साइड में कितने लोग बैठेंगे सोलह लोग ही बैठेंगे तो उसने सोलह आंसर में नहीं दिया था कि स्टूडेंट सोचेगा यार सत्रह है मेरा सत्रह ही होगा यार आंसर लगा देता हूं जबकि आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दैट इज गलत ठीक है मतलब रॉन्ग समझ गए ना ऑप्शन नंबर फाइव इजी योर आंसर तो सिक्सटीन आंसर आएगा हमारे कॉन्सेप्ट से जो हमने पढ़ा था उसी से निकाल दिया करो प्रश्न करो हल सैतीस आंसर आ रहा है सभी लोगों का कैसे आ रहा है सैतीस सही होगा फिर तो सैतीस आ रहा तो सही है चलो तो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन बोल रहा है इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ रितेश इज ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो रितेश की लेफ्ट से आप लोगों को पोजीशन दी गई है ट्वेल्थ ये रितेश है राइट मत समझ लेना रितेश सुधीर हुई ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम द राइट भाई एक सुधीर की दी गई है राइट से कौन सी पोजीशन कि बाईस नंबर पे राइट से चलो फ्रॉम द राइट हैंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रितेश रितेश के फोर्थ राइट में ही है। रितेश के फोर्थ राइट right में अब देखना भाई ध्यान से समझना रितेश की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है ट्वेल्थ है तो पूरी कोई लाइन होगी पूरी कोई लाइन होगी और यहाँ पे लेफ्ट हैंड है यहाँ पे राइट right हैंड है ऐसे बना लिया करो कभी कोई दिक्कत है तो ये लेफ्ट हैंड हो गया राइट हैंड right हो गया तो भाई रितेश की लेफ्ट एंड से कितनी पोजिशन है ट्वेल्थ पोजिशन है ना ट्वेल्थ पोजिशन है अब यहां पे रितेश बैठा हुआ है लेफ्ट एंड से ट्वेल्थ पोजीशन है उसकी इसने क्या बोला कि सुधीर हु इज ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ठीक है इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रितेश रितेश के फोर्थ राइट right में है तो रितेश यहां बैठा है और रितेश का राइट किधर होगा नॉर्थ में देख रहे हैं ना नॉर्थ फेसिंग दे रहा है रितेश का राइट रिते किधर होगा इस साइड में तो एक दो तीन चार रितेश कहीं यहां बैठा होगा

नहीं आया समझ में अरे फिर समझा देंगे कोई बात नहीं है देखो ये तो जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखा है मैंने मैंने लिखा उत्तरा भी बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से, तो से, 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 टौन 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 से है।, है तो रितेश की लेफ्ट साइड से पोजीशन बारहवीं दे दी सुधीर जो कि दाएं छोर से बाईसवा है सुधीर के राइट साइड से पोजीशन ट्वेंटी टू दे दी रितेश से दाएं को चौथा है रितेश से दाएं को चौथा है तो मान लो अभी नहीं पता हमें इसका कुछ भी तो आप लोगों की सुधीर की एक पोजीशन दे है। सुधीर को क्या बोला हुआ है? सुधीर को ये बोला हुआ है, है, right right है है, सुधीर सुधीर। जो रितेश। रितेश के में बैठा हुआ चलो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं। कितने का फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन अब ये लेफ्ट और राइट एक ही बंदे के होते हैं तो ना तो इसके राइट लेफ्ट पता ना इसके राइट लेफ्ट पता दोनों के दोनों इसका राइट नहीं पता इसका लेफ्ट नहीं पता बड़ी गड़बड़ है सर ठीक है इसलिए या या तो इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट निकालो निकालो राइट किससे निकलेगा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दी गई है ये दी गई है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो रितेश सुधीर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई तो सुधीर का लेफ्ट ही निकलेगा वहां से कैसे भी करके तो देखते हैं सुधीर हु इज ट्वेंटी सेकंड फ्रॉम द राइट एंड तो सुधीर का तो राइट एंड से ट्वेंटी टू हो गया एंड इज फोर्टी टू द राइट ऑफ रितेश रितेश के फोर्टीन रितेश कहा रितेश लेफ्ट से जो आपको पता है लेफ्ट साइड यही होगी लेफ्ट से बारह नंबर पे रितेश अब ये जो आप लोगों का सुधीर है वो रितेश के फोर्थ राइट में है और नॉर्थ साइड की फेसिंग है नॉर्थ साइड की फेसिंग होती है तो इधर ये वाला राइट right होता है ये वाला लेफ्ट होता है डायरेक्शन में पड़ा था तो रितेश के फोर्थ राइट क्या होगा एक दो तीन चार यहां सुधीर बैठेगा कि नहीं बैठेगा बताओ तो अगर सुधीर की लेफ्ट साइड से पोजीशन अगर मैं निकालना चाहूं तो ये तो बारह नंबर थी रितेश वाली रितेश के आगे तेरह नंबर चौदह नंबर पंद्रह सोलह नंबर, नंबर तो लेफ्ट से कितनी है सोलह नंबर तो इसका लेफ्ट राइट दोनों आ गया तो टोटल निकाल दिया मैंने बाईस प्लस सोलह माइनस वन अब तो समझ में आ गया होगा यार इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं चलो ये तो हो गया रिपीट क्वेश्चन है रिपीट क्वेश्चन में इसको डिलीट कर देता हूँ चलो इस प्रश्न को करो अरे आ जाओ देख लो तो हिंदी में पढ़ देते हैं चालीस छात्र देखो भाई तुम लोग भी छात्र हो चालीस छात्र एक पंक्ति में हैं, तथा उनके मुंह उत्तर की हो रहे हैं नॉर्थ साइड फेसिंग है सोमन बाई ओर से है। सोमन की बात हो रही है भाई सोमन लेफ्ट हैंड से अरे सोमन बाई ओर से छटवा कैलाश है ये क्या है भाई कैलाश इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमन अच्छा सुमन से बाई और छठवा कैलाश है एक को ये सही सुमन इसको सेंटेंस को ऐसे होना चाहिए था यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे कैलाश केलास सोमन से बाई ओर छठवा है ठीक है ये थोड़ा सा लिखने का तरीका इनका गलत तो है तो यह बिल्कुल ठीक है इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर से है ना इन ए रो ऑफ फोर्टी स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ केलास इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सोमन सोमन के सिक्स लेफ्ट में देख लेंगे आगे चलते हैं इफ सोमन इज थर्टी फ्रॉम द लेफ्ट सोमन की जो लेफ्ट से पोजिशन है वो कितनी दे रखी है थर्टी दे रखी है एंड ऑफ द रो हाउ फार कैलाश फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो तो कैलाश राइट एंड से कितना है ठीक है तो भाई अब मुझे एक तरीके इन्हें रो फोर्टी स्टूडेंट है भाई टोटल मिला के टोटल कितने हैं फोर्टी स्टूडेंट है अब मुझे एक चीज पता है कैलाश इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सोमन कि मान लो जहां पर भी सोमन होगा सोमन मान लो यहां पे सोमन से लेफ्ट साइड में कैलाश होगा ठीक है तो लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे छह नंबर पे तो एक दो तीन चार पांच और छह नंबर पे यहां पे क्या होगा कैलाश होगा तो सोमन और कैलाश की इस तरीके से पोजिशन होगी अब वो कैलाश के बारे में सोमन के बारे में क्या दे रखा है सोमन लेफ्ट से थर्टी नंबर पे लेफ्ट से कितने नंबर पे थर्टी नंबर पे तो सोमन लेफ्ट से कितने नंबर पे थर्टी नंबर पे ये लेफ्ट साइड से इसका मतलब कैलाश लेफ्ट से कितना होगा भाई नो you know, ये ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फोर्थ ऐसे एक बार समझाने के लिए गिना रहा हूँ फिर इसका एक तगड़ा जुगाड़ बताऊंगा मैं आप लोगों को एक बार इसको ऐसे समझोगे भी ऐसे लोग बैठे हुए तो आप लोगों का जो किसकी बात कर रहे थे कैलाश की लेफ्ट से पोजीशन क्या आ गई ट्वेंटी आ गई अब आपको पूछा गया हाउ फार इज फ्रॉम द राइट एंड ऑफ यानी कि क्लास की राइट right एंड से पोजीशन क्या है तो देखो टोटल इज इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल आपका क्या है फोर्टी है और क्लास का लेफ्ट से पोजीशन आपको पता है ट्वेंटी फोर राइट से आपको निकालना है तो तेईस माइनस कर दो उसमें सत्रह आ गया ठीक है एक तो ये समझने वाली बात हो गई अब है ना मैं हमेशा पहले समझाता हूँ फिर फिर जुगाड़ बाद में निकाल देता कि आपको ध्यान में रहे कि जुगाड़ निकला कैसे पिछले वाले केस में जाना पिछले वाले केस में गए हम लोग इस चीज को ध्यान से समझ लेना अभी ठीक है ये बोल रहा था सुधीर हु इज ट्वेंटी सेकेंड द राइट एंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रितेश यानी कि रितेश के शॉर्टकट में से ले फोर्थ राइट में कौन है सुधीर है ये ऐसे लिखना नहीं है बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि मुझे बार बार लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े रितेश के फोर्थ राइट में सुधीर था ठीक है अब हम नीचे गए ठीक है हम लोगों ने सुधीर को बनाया और सुधीर से रितेश की पोजिशन निकाली लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैसे भी करके तो हम लोगों ने क्या किया था इसको जोड़ा हम लोगों ने ये बारह नंबर पे था इधर से तो ये एक दो तीन चार कितने पे आ गया था चार जोड़ने पे सोलह नंबर पे आ गया था तो देखो ये लेफ्ट से हम चल रहे थे ठीक है तो जो आप लोगों का रितेश था ध्यान समझना जो आपका रितेश था उसकी आपको लेफ्ट से पोजीशन बताती कितनी बारह और जो सुधीर था वो रितेश के क्या था राइट में था सुधीर रितेश के क्या था राइट में था तो क्या करना पड़ेगा ये लेफ्ट से पोजीशन है और दूसरा वो उसके राइट में है तो हमेशा हमेशा क्या करना है जब अलग अलग हो तो माइन प्लस कर देना है तो बारह प्लस चार चार ही था ना सीधा सोलह आ जाएगा अब ये सोलह पोजीशन लेफ्ट से आएगी या राइट से आएगी तो आपको वो देखना है कि जो आप जिस एंड की बात कर रहे हो ना उस एंड से आएगी यहां पे एंड की किसकी बात हो रही थी लेफ्ट एंड की बात हो रही थी क्योंकि लेफ्ट एंड से ही बारह तो लेफ्ट एंड से इसकी सोलह नंबर आ गई एक बार जिसको नहीं समझ में फिर समझाऊंगा फिर अगले क्वेश्चन में चलो एक बार अगले ये डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को अगले प्रश्न में देखो क्या था अगले प्रश्न में ये था चला गया वो इफ द सोमन कैलास इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सोमन सोमन के सिक्स लेफ्ट में कौन था कैलाश था ठीक है अब आप लोगों को क्या दिया गया है सोमन का लेफ्ट दिया गया है है ना और यहां पर भी क्या दिया गया है सोमन का लेफ्ट जिससे पोजीशन दे रखी है ना उसी का लेफ्ट देखना है तो यहां सोमन का लेफ्ट दिया गया यहां भी सोमन का लेफ्ट दिया गया सेम अगर चीज होगी तो माइनस कर देना तो सीधा आप देख दो चौबीस किससे आएगी पोजिशन जिस एंड की आप बात कर रहे हो तो आप कौन से एंड की बात कर रहे थे लेफ्ट एंड की बात कर रहे थे तो लेफ्ट एंड से दूसरे वाले की पोजिशन आ जाएगी जो कि कितनी लिखी थी चौबीस लिखी थी किस किस को समझ में आ गया मैं फिर से बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे लेकिन आप बताओ ठीक है अब इन्हीं प्रश्नों को हम दोबारा करते हैं ये पहले समझना जरूरी होता है देखो भाई थोड़ा सा है ना समझना बहुत जरूरी होता है ये चीज नहीं करके दिखाते तो, तो आप समझ नहीं पाते है ना अब देखो जैसे ही मैंने देखा इन इन्हे चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ रितेश इज रितेश्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट तो रितेश की मुझे लेफ्ट एंड से पोजिशन दे रखी थी कितनी ट्वेल्थ दे रखी थी ठीक है सुधीर हु इज ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड तो सुधीर की मेरे पास में पोजिशन क्या दे रखी थी राइट right एंड से ट्वेंटी सेकेंड अब देखना भाई समझना राइट ऑफ रितेश सुधीर की बात कर रहा है सुधीर रितेश से फोर्थ राइट में तो अब रितेश के ऊपर चला जाओ सुधीर की दूसरी पोजिशन निकालनी है तो रितेश से फोर्थ राइट में है ना तो रितेश की मुझे लेफ्ट पता है और यहां राइट की बात कर रहा है तो दोनों जुड़ेंगे सोलह जाएगा तो ये सीधा सीधा सुधीर का क्या आ गया लेफ्ट आ गया ये लो टोटल पूछा गया था दोनों को जोड़ा अड़तीस माइनस एक सैतीस कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है अरे अब तो आ गया होगा कितने लोगों को आ रहे है है ना ये बहुत मतलब आसान सी चीजें समझाने के लिए मैंने डायग्राम वगैरह बनाया आप इसको डिफिकल्ट वे में मत लेना साउथ फेसिंग होता तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता उनका बस ठीक है साउथ फेसिंग देगा नहीं इसमें आपको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को दोबारा करते हैं हम देखना

का लेफ्ट जो भी सा गया। अब हाउ फार इज फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो का राइट एंड से पोजिशन निकालना पड़ेगा तो राइट से निकालने के लिए टोटल, तो क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट तो टोटल हो गया चौबीस सॉरी क्या लिख देता हूं मैं का लिख दिया देखो तो यहां राइट हो गया आप लोगों का कितना 23 तो, जाएगा तो ये सत्रह जाएगा पर ये सत्रह आंसर नहीं होगा आप लोगों का हाउ सत्रह तो ही आंसर होगा ठीक है कैलाश राइट हैंड से किस पोजिशन पर बैठा हुआ पोजिशन गई तो सेवनटीन आंसर होगा अगर मैं ये पूछता कैलाश के, के राइट में कितने लोग बैठे हुए तो क्या आंसर होता, 16 होता चलो अच्छी बात है भाई स्पीड में सही चल रहा है सबको समझ में भी बताना चाहिए ना एक पॉइंट थोड़ा सा ऐसा था इस इस चैप्टर में जो मुझे लगा थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए तो मैंने पाँच मिनट फालतू ले लिया उस पर नाइनटीन आ गया आंसर सभी का बहुत अच्छी बात है इन ए रोफ चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ मनी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश बाद में देखेंगे हु इज टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड हु मतलब किसके लिए आता है सेकेंड पर्सन सुरेश के लिए तो सुरेश के बारे में बोल रहा है भाई क्या बोल रहा है सुरेश लेफ्ट से टेंथ नंबर पे दस नंबर पे निशाइद सेकेंड टू द राइट ऑफ सुरेश आगे देखेंगे एंड एटेंथ फ्रॉम द राइट एंड निशा के बारे में और बात कर रहे हैं भाई क्या बात कर रहा है? बात कर रहा निशा इद सेकेंड टू द राइट ऑफ सुरेश एंड एट फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट right एंड से कितनी है आठ नंबर पे टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन रो टोटल पूछा है भाई अब देखो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए टोटल आने के लिए या तो मैं सुरेश का राइट निकाल दूँ या इसका लेफ्ट निकाल दूँ यही अप्रोच होनी चाहिए ना दिमाग में चलना तो यही चाहिए बताओ दिमाग में ही चलना चाहिए ना तो इनका राइट और लेफ्ट निकाले तो इसके लिए अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखते हैं हम लोग अरे हाँ आ जाओ ऊपर से क्या दे रखा है इन एयर चिल्ड्रन फेसिंग नोर्थ मनीष इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश सुरेश से लेफ्ट की बात कर रहा है मनीष ठीक है है ना लेकिन मनीष की बात कर रहा है अब मनीष है कौन यहाँ तो मनीष है ही नहीं कहीं पे कुछ तो मनीष जो है वो बोल रहा है कि इन चिल्ड्रन ऑफ फेसिंग नॉर्थ मनीष इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश तो मनीष लिखते हैं पे ठीक है मनीष सुरेश से लेफ्ट में तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा बताओ माइनस होगा कि नहीं होगा लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होगा तो टेन और फोर माइनस होगा तो आएगा क्या लेफ्ट ही आएगा सिक्स तो मनीष की लेफ्ट से पोजिशन सिक्स कि नहीं आई बताओ ये समझ में आएगा ना अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था आएगी लेकिन मनीष क्योंकि मनीष के बारे में बात कर रहा है ठीक है ना मनीष के बारे में बात कर रहा है ऐसा नहीं कि निशा की लेफ्ट राइट कर दो इसको ठीक है आगे बात करते हैं निशा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सुरेश निशा सुरेश से सेकेंड राइट पर है तो निशा सुरेश से सेकेंड राइट पर है ठीक है तो भाई सेकंड राइट पर बात हो रही है किसके बाद सेकंड टू द राइट ऑफ सुरेश तो यहां सुरेश का लेफ्ट दे रखा है और यहां राइट दे रखा है तो दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे बताओ जुड़ेंगे ना दस और दो बारह और कौन से एंड की बात आएगी लेफ्ट एंड की बात कर रहे हैं तो यहां लेफ्ट है तो लेफ्ट एंड आ जाएगा ठीक है टोटल निकालना है दोनों को जोड़ा उन्नीस माइनस वन अठारह आंसर आ गया एक सेकेंड बीस माइनस वन सॉरी माइनस वन उन्नीस आंसर आ गया अब मुझे बताओ ये वाली चीज कुछ काम में आई है आपके नहीं काम में आई लेकिन क्या करता है कई बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनाता है ना तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन बना देता है ठीक है फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू बोलेगा क्वेश्चन नंबर टू बोलेगा ठीक है कि मनीष के मनीष के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं बताओ भाई क्वेश्चन नंबर टू का आंसर तो सबसे पहले मनीष के राइट की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर टू ये तो देखो मैं इधर ही लिख देता हूं है ना तो टोटल क्या हो जाएगा आठ प्लस बारह माइनस एक यानी कि उन्नीस ये आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं पे मैं आंसर नंबर टू लिख रहा हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर टू लिखा है इसका मनीष के राइट से तो मनीष की लेफ्ट से आ गई सिक्स तो राइट से कितनी आएगी टोटल उन्नीस है ठीक है तो टोटल क्या होता है उन्नीस उन्नीस इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस कई लोग फोर्टीन आंसर कराएंगे नहीं करना है उसने राइट से पोजीशन नहीं पूछी है राइट से कितने नंबर पे उसने पूछा है राइट में कितने लोग बैठे हैं तो लोग जो बैठे होते हैं वो कितना होता है पोजीशन माइनस वन यानी कि तेरा लोग बैठे होते हैं ठीक है चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न चलो आ जाओ क्वेश्चन बोल रहा है सुनील इज ट्वेंटी एट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ठीक है तो सुनील के बारे में बोला है लेफ्ट हैंड से पोजीशन दे दी ट्वेंटी एट फिर बोला गया रमेश इज थर्टी फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड तो रमेश की राइट right हैंड से पोजीशन दे दी गई थर्टी वन एंड ऑफ द रो फोर्टी चिल्ड्रंस यानी टोटल कितने हैं फोर्टी चिल्ड्रंस हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन सुनील एंड रमेश इन द रो सुनील और रमेश के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो देखो सुनील और रमेश के बीच में क्वेश्चन वो निकालने के लिए पी वन माइनस पिटू माइनस वन करना है अब देखो पी वन और पिटू के साथ कंडीशन क्या है ये सेम साइड से होना चाहिए लेकिन यहां लेफ्ट से दिया हुआ है यहाँ राइट से दिया हुआ है या तो इसका राइट निकालो या इसका लेफ्ट निकालो कोई भी एक चीज कर लो तो मान लेता हूं इसका लेफ्ट निकालता हूं ठीक है अब देखो सीधा निकालना सीखो भी लेफ्ट ऐसे नहीं बार बार में लिख लिख के कर रहे वो तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा था टोटल क्या होता है इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस ठीक है तो इसका राइट right है थर्टी वन ठीक है थर्टी वन में से उधर वन माइनस होगा थर्टी और ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा लेफ्ट दस आएगा कि नहीं आएगा या फिर इसमें एक जोड़ के माइनस कर दो बस एक माइनस करके एक माइनस करो फिर एक और एक्स्ट्रा माइनस कर दो ठीक है चलो तो ये पोजिशंस आ गई लेफ्ट लेफ्ट की तो लेफ्ट लेफ्ट काम में ले लो ये और ये दोनों काम में ले लो राइट इसका निकालने की जरूरत नहीं है या एक से ही करो कोई भी एक निकाल लो तो लेफ्ट क्या है ट्वेंटी एट माइनस टेन माइनस वन अब ये भी फार्मूला बार बार नहीं लगाना है अब अट्ठाइस माइनस दस अट्ठारह और माइनस एक सत्रह ये लो सीधा करना सीधा करने की कोशिश करो अब क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये एक छोटा सा बकवास सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कई बार अगर मान लो ऐसा कुछ वैसे डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ऐसी कोई लाइन आ जाए किसी क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन उसके बीच में ऐसी कोई लाइन आ जाए तो मतलब समझ में आना चाहिए क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एंड ऑफ इन ए क्यू इफ योर रैंक इज जी इलेवंथ देन हाउ मेनी पर्सन आर देर इन द क्यू तो इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू भी ग्यारह ही है और एल की वैल्यू भी ग्यारह ही है तो टोटल पूछा गया तो दोनों को जोड़ के माइनस कर दो बाईस और इक्कीस ये लो ठीक है तो ये तो ऐसे ही मामूली सा क्वेश्चन है एक। दोनों छोर से ग्यारह दी गई थी अगर मान लो कक्षा में ऊपर नीचे से देगा तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को लेफ्ट राइट की जगह अपडाउन कर देना बस जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया इन क्लास ऑफ फिफ्टी फोर स्टूडेंट इफ अरुण इज फिफ्टीन फ्रॉम द टॉप एंड इज ट्वेंटीन फ्रॉम द बॉटम देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम ठीक है टोटल लाइफ फिफ्टी फोर अरुण की टॉप से पोजीशन कितनी है पंद्रह है सुधा की बॉटम से पोजीशन कितनी है बीस दी हुई है और टोटल आपका कितना दिया हुआ है टोटल आप लोगों का फिफ्टी फोर स्टूडेंट दिए हुए हैं अब देखना या तो टॉप टॉप निकालो क्योंकि माइनस मुझे करना है दोनों के बीच में कितने लोग हैं पी वन माइनस पी टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम तो पी वन माइनस ये करना है मुझे तो या तो टॉप टॉप का निकालो या बॉटम बॉटम का निकालो कोई भी एक चीज निकालो तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे बॉटम बोटम निकालता हूँ टॉप टॉप निकालता हूं। यहां का अगर इसकी टॉप से पोजिशन देखूंगा तो कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी थर्टी फाइव हो जाएगी तभी तो टोटल फिफ्टी फोर आएगा समझ गए ठीक है तो ये टॉप वाले से निकाल दो थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस वन कितना जाएगा बीस माइनस एक उन्नीस ये लो जी एक बार फिर से मैं तीन दो तीन चीज़ें दोहरा रहा हूँ आप लोगों को एक फॉर्मूला है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन नोट था लेफ्ट राइट एक ही बंदे का होना चाहिए दूसरा था लेफ्ट माइनस वन राइट माइनस वन अगर आप लोगों को लेफ्ट में कितने बंदे राइट में कितने बंदे पूछे गए हो तो तीसरा आप लोगों का पोजीशन था पी वन माइनस पी टू माइनस वन दो बंदों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं पी वन पी टू एक ही साइड से पोजीशन होनी चाहिए चौथा मैंने बताया था लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस करना है राइट राइट हो तो भी माइनस करना है लेफ्ट राइट हो तो प्लस करना है और राइट लेफ्ट हो तो भी प्लस करना है समझ में आ गई ये चार चीजों के ऊपर पूरा आपका रैंकिंग डिपेंड करता है और इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपको आरआरबी में नहीं मिलेगा थैंक यू वेरी मच